दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स ने लंबी छलांग लगा दिया, जहां कोलकाता नाइट राइडर्स की जीत के बाद पॉइंट टेबल में काफी बड़ा उलटफेर हो चुका है। जहां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को काफी बड़ा नुकसान हुआ है, तो वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स को काफी ज्यादा फायदा हो चुका है। तो ऐसे में कौन कौन सी चार टीमें रहने वाली है जो प्ले ऑफ में जगह पक्की कर ली है, और कौन कौन सी चार टीमें जो ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं प्ले ऑफ से, इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। और कौन सी अगर वो दो टीमें रहेंगी जिनको कितना मैच और जीतने होंगे प्ले ऑफ में 100% जगह पक्की करने के लिए, तो दोस्तों पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखना। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। वैसे तो दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आइए चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं पहले टीम की जो 100% प्ले ऑफ में जगह बना लेगी, वो है दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली कैपिटल जहां पॉइंट टेबल में दूसरे स्थान पर और नेट रेट भी काफी बेहतरीन इस टीम का, जहां ये टीम अब तक आईपीएल 2021 में 8 मैच खेली और 8 मैचों में 12 पॉइंट इस टीम के पास है। नेट रन रेट भी काफी बेहतरीन। अब बाकी बचे 6 मैचों में से इस टीम को 2 मुकाबले और जीतने होंगे प्ले ऑफ में जगह बनाने के लिए। अगर ये टीम 3 या 4 मैच और जीत जाती है तो 100% प्ले ऑफ के साथ साथ ये टॉप 2 टीमों में भी रह सकती है। तो ये टीम 100% प्ले ऑफ में क्वालिफाई करने वाली है। दिल्ली कैपिटल पहली ऐसी टीम होगी जो प्ले ऑफ में क्वालिफाई कर जाएगी। वहीं बात कर लेते हैं दूसरी टीम के, तो दूसरी टीम है चेन्नई सुपर किंग। महेंद्र सिंह धोनी की टीम काफ़ी बेहतरीन इस साल प्रदर्शन कर रही है। जहाँ आईपीएल 2020 में काफ़ी फ्लॉप साबित हुई थी, तो इस साल इस टीम का काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन है। जहाँ यूएई में पहला ही मुकाबला ऋतुराज गायकवाड़ की मदद से जीत लिया, तो वहीं ये टीम पॉइंट टेबल में पहले स्थान पर पहुंच चुकी और सभी टीमों से सबसे बेहतरीन नेट रन रेट चेन्नई सुपर किंग है। इस टीम के पास टोटल 12 पॉइंट है 8 मैच के लिए। अब मात्र इस टीम को 2 मुकाबले और जीतने होंगे प्ले ऑफ में जगह पक्की करने के लिए, और ये 100% ऑलरेडी टीम पहुंच जाएगी प्ले ऑफ में। वहीं तीसरी टीम की बात करें तो वह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। जी हाँ, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर काफ़ी बेहतरीन इस साल प्रदर्शन, हालांकि ये मुकाबला 31वां मुकाबला जरूर हारी है, लेकिन इसके बावजूद ये टीम प्ले ऑफ में पक्की जगह कर लेगी। अभी तक ये टीम टोटल 8 ही मुकाबला खेली और 8 में से 5 जीती है, जबकि 3 में हारी है। अभी इस टीम के पास टोटल 10 पॉइंट है, नेट रन रेट थोड़ा सा खराब है, बट फिर भी ये टीम प्ले ऑफ में 100% जगह बनाएगी। अभी इस टीम को मात्र 3 मुकाबले और जीतने होंगे प्ले ऑफ में जगह पक्की करने के लिए। वही ये 3 टीमें हैं जो 100% प्ले ऑफ में जगह बनाएंगी। वही आपको बता दूं, जो पहली टीम है प्ले ऑफ से बाहर हो चुकी है वो है सनराइजर्स हैदराबाद। सनराइजर्स हैदराबाद टोटल 7 मैच के लिए 7 में से 1 ही जीती है। अब बाकी बचे 7 मुकाबले 100% इस टीम को और अच्छे मार्जिन से जीतने होगा। इसके बावजूद ये टीम अगर जीतती है अच्छे मार्जिन तो प्ले ऑफ में जगह में भी बना सके, नहीं तो ये 100% बाहर हो जाएगी। वैसे बाहर ऑलरेडी हो चुकी है। वहीं दूसरी जो टीम है पंजाब किंग्स है। पंजाब किंग के बचे हुए 6 मुकाबले में से अगर एक भी मुकाबला ये लॉस होती है, एक भी मुकाबला हारती है, तो लगभग ये टीम प्ले ऑफ से बाहर हो जाएगी। लेकिन इस टीम के पास थोड़ा सा चांसेस अच्छे हैं, 5 मुकाबले भी जीतती है तो, लेकिन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर या फिर मुंबई इंडियंस को हारना होगा, उसके बाद ये टीम प्ले ऑफ में जगह बना लेगी। वही अब बात कर लेते हैं चौथी टीम की, कौन सी और चौथी टीम रहने वाली है जो प्ले ऑफ में जगह बनाने वाली है। इनमें 3 टीमें बहुत ही बड़ी दावेदार में, एक तो पहुंच चुकी है कोलकाता नाइट राइडर्स, दूसरी जो है मुंबई इंडियंस, और तीसरी जो टीम रहने वाली है राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स में भी। लेकिन राजस्थान रॉयल्स, मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स में से कोई एक टीम प्ले ऑफ में जगह बनाने वाली है। वैसे आपको क्या लगता है इन 3 टीमों में से कौन सी टीम रहने वाली है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। वैसे मैं आपको बता दूं, जो टीम पहुंचेगी वो है कोलकाता नाइट राइडर्स। पहली टीम दिल्ली कैपिटल, दूसरी टीम चेन्नई सुपर किंग, तीसरी टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और चौथी टीम कोलकाता नाइट राइडर्स। और आपको क्या लगता है कौन सी 4 टीमें रहेंगी, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉच।